हेलो एवरीवन, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पहले आप सभी को व्लॉग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को दिल से सॉरी, बिकॉज मैंने कहा था बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, बट बर्थडे के बाद ना, नन्नू के बर्थडे के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद तक मैं कहीं बिजी हो गई थी, तो नहीं हो पाया, अच्छे से एडिट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नहीं किया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। अच्छा, ये नन्नू के बर्थडे का लास्ट व्लॉग है, इसके बाद एक और बर्थडे व्लॉग आने वाला है। वो किसके बर्थडे का है तो वो तो आपको इसके बाद पता चलेगा। उससे पहले आपको ये वाला व्लॉग पूरा देखो, आप लोगों को ये वाला व्लॉग में मज़ा आएगा। नन्नू ने केक कटिंग की थी और लास्ट वाला व्लॉग में मैंने एंड किया था नन्नू के जो डेकोरेशन वगैरह की थी उसके साथ मैं एंड किया था। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर छोले की सब्ज़ी बनाई थी, वाइट छोले, और साथ में मैंने बनाई थी पूड़ी और खीर बनाई थी, जो कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने ट्राईपॉड में लगा रखा था, मुझे ये था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट पता नहीं कब वो बंद हो गया, कैसे क्या हुआ पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या हो जाता है कई बार मेरे फ़ोन में, कई बार तो इतना अच्छा चलता है, कई बार इसको पता नहीं क्या ही हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट जो है छोले बन गए थे। वेलकम बैक अगेन। नन्नू हो गया है रेडी। नन्नू को देखो, नन्नू को इसके पापा ने रेडी किया इसको। दिखा, कैसा लग रहा है निंदू, बताओ। अपने आपसे पूछा सबसे, पूछ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। उसकी मम्मी भी रेडी हो गई, उसकी चाची भी रेडी हो गई है, बाकी सारे लोग अंदर हैं। हम तीनों मिलकर केक काटेंगे। कट 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 करे इधर आ। कौन आएंगे? तो ये देखो, मैंने यहाँ पर टेबल लगा दिया, अभी बस करना है केक रखना है। केक सामने आओ ना पापा जी, सामने आओ, आओ नन्नू के साथ में आओ ना, आप इधर आओ पापा जी, मम्मी आप इधर आओ, मम्मी आप उधर से घूम जाओ, घूम जाओ, आप ही आओ ना। दिव्या बाद में फोटो खींचना, बिग केक केक, इट्स स्मॉल केक, नॉट बिग। हाय करो, हाय, पहले हाय करो जल्दी से, रुक जाओ, हाय कर रही हो। अब देखो, अब देखो, हाँ सिक्स नंबर है, सिक्स नंबर। अब सब करके बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सो यहाँ पर कटने लगा था नन्नू का केक, तो हम सब ने मिलके कटवाया था नन्नू का केक। और मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी और सिस्टर नहीं आ पाए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से सिस्टर भी नहीं आ पाई थी। बाकी इन लोज आए थे, इन लोज वाले सारे आए थे, और यहाँ पर वीडियो कॉलिंग चल रही थी भैया होने से, तो उनसे बात करते साथ ही में। अपने बर्थडे का आके खा रहा है, चलो सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। पीछे से पापा जी बड़े घूम करना, नीचे वाला, नीचे,
इसमें निकाल ले पहले केक। ओपन योर बिग माउथ, ओपन योर बिग माउथ, बिग माउथ, बिग माउथ। ये क्या कर रहा है? गंदी बात, थप्पड़ मार रहा है, किसको अच्छा कैच कर रहा है? जल्दी से जल्दी से खिला, तीशु को खिला, तीशु को चाची जल्दी मारना चाची को, चाची ये लेकर आया हूँ ट्यूशन में, सेलिब्रेट करेगा। चल खिला 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 खिला, ये लो केक, ये लो। रो पड़ी यार, तुमने क्या करा उसको केक के साथ में? नन्हे को ना केक खिलाते खिलाते मतलब सारे खिला रहे थे और उसके चाचू लगा रहे थे, तो उसकी आईज में चला गया था, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैस हो गया। बाकी नन्हे ने सबको केक खिला दिया और नन्हे थोड़ा सा मतलब इसको लगाने का भी शौक है और जब इसको कहीं इधर उधर लग जाता है तो इरीटेट हो जाता है, तो बस ये सिंपल सही था। वैसे तो देखो बहुत सारे जने होते हैं ना तो काफ़ी इन्जॉय होता है, तो अभी थोड़े से लोग थे तो इतना ही इन्जॉय हो पाया। बाकी नन्नू बहुत हैप्पी था और यहाँ पर मैंने छोटी सी गुड़िया जो हमारी है उसको भी केक खिला दिया था। ऐसे मना कर रहे थे, फिर मैं कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट करा देते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करा दिया। और नन्नू का ना ट्यूशन का टाइम भी होता है, उसको आज ट्यूशन में जाना था बिकॉज उसको ट्यूशन में भी सेलिब्रेट करना था, बिकॉज आज का ही दिन था, बर्थडे वाले दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है, आगे पीछे सेलिब्रेट अच्छे से नहीं होता है, तो इसलिए उसको ये था कि मुझे ट्यूशन भी जाना है, टाइम हो गया था। तो बस गुड़िया को मैंने गोदी में ले रखा था और यहाँ पर मैंने इनको बोला था आप केक सबको डाल के दे दो, और केक का मतलब जो केक था ना बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, मुझे ना मतलब नाम जो है मैं भूल गई हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड ही शेफ़ है, मैंने आपको बताई है कि ये केक वगैरह बनाते हैं तो इनका ही काम ये डिपार्टमेंट है, तो वही करके आए थे। डिज़ाइन मैंने बता देता कि यही रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि थीम मैंने ब्लू वाइट रखी थी, तो केक का भी मुझे ये था कि ब्लू वाइट, और उसका ड्रेस का भी मुझे ब्लू वाइट रखना था, बट उसने लास्ट 2 ईयर से अपने बर्थडे पर ब्लू वाइट ही डाल रहा था तो मैंने नहीं रखा। तो यहाँ पर मैं गुड़िया से बात कर रही थी, वो इधर उधर देख भी रही थी कि मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम निकली थी घर से। करो अब करो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, हाँ हाँ क्या हो गया, चले गए दादू, चले गए, चले गए, हाँ हाँ तो उस खाना वाना खा के हमने केक वगैरह कट किया था, उसके बाद थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद मम्मियों ने कभी निकलना था क्योंकि दूर है, 4-5 घंटे का रास्ता पड़ ही जाता है, तो फिर उनको भी टाइम से निकलना था क्योंकि छोटा बच्चा था साथ में। नन्नू ट्यूशन जा चुका था तो इसलिए नन्नू बाय करने के लिए नहीं आया, वो पहले बाय बाय करके चला गया था। तो यहाँ पर भैया उसको बोल रहे थे गुड़िया को कि तुम यही रह जाओ, तो अभी उसको इतनी समझ नहीं है तो बस वो देख ही रही थी इधर उधर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, इतना सा ही इन्जॉय किया। उसके बाद रात को हमने बाहर से ही खा लिया था जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए नहीं अच्छे से कर पाई थी। तो बाकी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।